हे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एगे जी। पेपर चल रहे हैं, वेरी टफ टाइम। टफ टाइम इसलिए नहीं क्योंकि पेपर चल रहे हैं, क्योंकि पेपर तो सबके चलते हैं। टफ टाइम इसलिए क्योंकि छुट्टी एक भी दिन जो है वो हमको मिली नहीं। तो ये हमारे एंड टर्म चल रहे हैं, 40-40 नंबर के पेपर लॉ के बड़े बड़े, जिसमें बहुत पढ़ना पड़ता है और उसमें एक दिन भी छुट्टी नहीं। दैट इज़ वेरी टायरिंग। एंड चलो ठीक है, हो जाएगा, पेपर ही है, दे लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसके चलते हाँ, वीडियोस थोड़े से कम आ रहे हैं चैनल में, थोड़े से कम के आ ही नहीं रहे हैं। तो मैंने बोला कि यार वीडियो ना डालने से अच्छा है कि एक ऐसी छोटी सी वीडियो बना के मोबाइल से ही डाल देता हूँ, चैनल का भाई डेड तो नहीं होगा एटलीस्ट। बाकी एग्जाम खत्म होने के बाद ऑब्वियसली हम लोग रेगुलर तो रहेंगे चैनल पे, ठीक है। बट एनीवेज वी गोना टॉक अबाउट टुडे हालैंड का सिचुएशन। देयर आर 3-4 सिचुएशन जिनके बारे में बात करी जा सकती है। एक है हालैंड का सिचुएशन, हालैंड टू मैन सिटी इज ऑलमोस्ट डन, तो क्या विचार है मेरे, ऑब्वियसली लेट्स टॉक अबाउट इट, क्योंकि हालैंड टू बार्सिलोना वाज अ ड्रीम मूव फॉर मेनी ऑफ द बार्सिलोना फैंस इंक्लूडिंग मी। सेकेंडली वी गोना टॉक अबाउट थोड़ा सा, यू नो व्हाट, बार्सिलोना कार्डिस से हार गई, ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है, वी गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल। एंड देन वी गोना टॉक अबाउट थोड़ा सा रोनाल्डो का सिचुएशन, एंड थोड़ा सा मैन यूनाइटेड वर्स, मैन यूनाइटेड में एरिक टेन हैंग आ रहे हैं उसका सिचुएशन। आई नो दिस वीडियो इज़ अनस्क्रिप्टेड, दिस वीडियो इज़ अनएडिटेड, दिस वीडियो विल बी ओनली वॉच बाई ट्रू फैंस। फैंस मैं कहता नहीं हूँ, ट्रू भाई लोग कह सकते हैं अपन, तो ठीक है चलो चालू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अर्लिंग हालैंड टू मैन सिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस हालैंड टू मैन सिटी, दिस मूव वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। शॉकिंग दो रीज़न के चलते। नंबर वन, वन थिंग वॉज फॉर श्योर कि एरिंग हालैंड टू बार्सिलोना इज़, यू नो वॉट, ऐसा एकदम मुश्किल टू हैपन, क्योंकि बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ वेरी डायरिंग, तो वो तो हो नहीं सकता है, ऐसा समझ में आ गया था। एंड ऑब्वियसली यार, आप हालैंड इज़ अ प्लेयर हो, ठीक है, जब आपको दुनिया जहाँ की क्लब इतना सारा पैसा दे रही है, तो वाई वुड यू चूज़ बार्सिलोना, ठीक है। टॉकिंग अबाउट मैन सिटी, ऑब्वियसली अगर एक ऐसा प्लेयर होगा जो फाइनेंशियली सोचेगा और अपना फ्यूचर भी सोचेगा, तो मेरे ख्याल से मैन सिटी वुड सूट हिम यार, ऑब्वियसली वाई नॉट, क्योंकि लुक एट मैन सिटी वेयर दे आर, देयर स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा कह सकते हो कि बहुत सेफ आने वाले टाइम के लिए। दे हैव वेरी ग्रेट प्लेयर्स, उनकी बेंच इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उस बेंच का अलग टीम बन सकते हैं। बट दी ओनली, एंड ऑब्वियसली दे विल ऑफर यू बहुत सारे पैसे, क्योंकि ऑब्वियसली मैन सिटी है ना, तो उनका सिचुएशन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। प्रीमियर लीग जीत चुके हैं, यूफा चैम्पियंस लीग के फाइनल में जा चुके हैं, एंड आप देखो पीएसजी भी एक सुपर टीम है, मैन सिटी भी काइंड ऑफ एक सुपर टीम है, तो आप वो हीरो बन सकते हैं उस सुपर टीम को यूएफए चैंपियंस लीग जिताने का, ठीक है, क्योंकि आज तक सिटी में भी जीता नहीं है और पीएसजी में जीता नहीं है। तो यू वुड सिलेक्ट पीएसजी का हीरो बनना या फिर यू वुड सिलेक्ट सिटी का हीरो बनना, दिस इज द क्वेश्चन विच हालैंड माइट हैव आस्क्ड हिमसेल्फ। एंड ऑब्वियसली ही विल चूज सिटी का हीरो बन करके सिटी को यूएफए चैंपियंस लीग जिताना, क्योंकि एम्बाप्पे तो ऑलरेडी पीएसजी को जिता नहीं पा रहे हैं। तो जोक्स असाइड, मतलब सिटी की प्रोजेक्ट यूएफए चैंपियंस लीग जीतने के लिए लुक्स ज़्यादा अच्छी एज कम्पेयर टू पीएसजी का, ठीक है। और सिटी ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में भी तुम देख रहे हो लगा रही है भाई, पानी खा देंगे तो ऑब्वियसली दे हालैंड वुड ऑब्वियसली सिलेक्ट सिटी ओवर पीएसजी। एंड रिपोर्ट्स आर सेइंग दैट फैब्रिजियो की तरफ से रिपोर्ट आया है, ऑब्वियसली फैब्रिजियो इज नॉट, अगर हम फुटबॉल ट्रांसफर और ये सब के बारे में बात करते हैं कि डील इज ऑलमोस्ट डन एंड हालैंड इज, यू नो व्हाट, ऑफ टू सिटी, जो बहुत ही ऐसे शॉकिंग न्यूज़ तो है काइंड ऑफ, बट आई एम नॉट शॉक्ड। द ओनली थिंग विच इज़ वरिंग मी इज कि पेप गार्डियोला का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल ख़त्म होने वाला है, तो सिटी का नया मैनेजर कौन बनेगा, कौन इस सिटी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि अभी तक तो मेरे को तो राइट पर्सन पेप गार्डियोला के बाद सिटी को आगे बढ़ाना वाला लगता था एरिक टेन हैग, क्योंकि मेरे ख्याल से एरिक टेन हैग को अगर मैन सिटी जैसी बनी बनाई टीम मिल जाती ना, तो वो आग लगा देता भाई, यूरोप में आग लगा देता। तो पेप गार्डियोला के बाद अगर पेप गार्डियोला छोड़ते हैं, जो अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट की माने तो ऑब्वियसली छोड़ सकते हैं अगले साल, हु विल बी नेक्स्ट गाय हु विल, यू नो वॉट, गाइड सिटी। एंड मैनेजर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल मेरे भाई। जब पेप गार्डियोला इस सुपर टीम को अभी तक एक यूएफए चैंपियंस लीग नहीं जीता पाए हैं, तो ये जो अगला मैनेजर आने वाला होगा, जिसमें मेरे को ज़्यादा बड़े नाम नहीं नज़र आ रहे हैं, क्या वो जीता पाएगा कि नहीं जीता पाएगा। प्लेयर से सब कुछ नहीं होता, अगर प्लेयर से सब कुछ होते यूएफए चैंपियंस लीग जीतने की, तो पीएसजी अभी तक पता नहीं कितने सारे यूएफए चैंपियंस लीग जीत चुकी होती। तो वो एक पॉइंट है जो मेरे को क्वेश्चन में डाल रही है कि हालैंड का ये मूव जो है वो सही है कि नहीं है।
बट उसके अलावा तो मेरे ख्याल से हालैंड ने ठीक ठाक डिसीजन लिया है। मतलब और कोई अच्छी क्लब नहीं है भाई यूरोप में एज कम्पेयर टू सिटी अपना फ्यूचर सॉर्ट करने के लिए। बात कर लेते हैं बार्सिलोना वर्सेस कार्डिस की। तो मैंने बीइंग वेरी ऑनेस्ट पूरा गेम नहीं देखा है, मैंने एकदम इंस्टेंट्स ऑफ द गेम देखा क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। बट इट वाज वेरी एम्बेरसिंग एज वेल एज वेरी यू नो व्हाट सैडन टू सी कि बार्सिलोना कार्डिस से हार गया वो भी कैंप नाउ में। अटेंडेंस वॉज अराउंड 57K बार्सिलोना फैंस, तो कैंप नाउ का सिचुएशन इज क्वाइट बेटर अब। बट लूजिंग टू कार्डिस होम में वॉज वेरी सरप्राइजिंग एंड चावी की टीम। तो ये जो इंटरनेशनल ब्रेक है सीरियसली भाई पूरी टीम की डायनेमिक्स को जो है मैं कह सकता हूँ डिस्टर्ब किया है, जिसके चलते बार्सिलोना इज नॉट क्वाइट परफॉर्मिंग द वे दे वर परफॉर्मिंग बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक, है ना। बट अब क्या कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर तुम सीरियसली अभी भी सोचते हो कि क्या बोलते हैं हम लालीगा कंटेंशन में है, तो भाई साहब रियल मैड्रिड इज़ नॉट बॉटलिंग। रियल मैड्रिड सेविया के खिलाफ कम बैक कर दी भाई 2-3 एंड इट्स नॉट फकिंग अ जोक कि कैसे रियल मैड्रिड ये कर दी। ऑब्वियसली बेंजिमा, यू गाइस नो इट, बेंजिमा ने आकर के आखिरी गोल मारा था। सो दे हैव अ प्लेयर लाइक बेंजिमा जो इन मोमेंट्स में स्टेप अप करता है। ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना डज नॉट हैव वैसे प्लेयर्स। अब ऑब्वियसली मैंने गेम नहीं देखा है तो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट टैक्टिक्स एज मच कि क्या है कैसा है कैसा नहीं है। बट ऑब्वियसली इट वॉज सैडनिंग टू सी बार्सिलोना लूजिंग टू कार्डिस। अब जो सेकेंड प्लेस है वो बहुत ही कॉम्पिटेटिव नजर आता है, इट्स 60-60-60 पॉइंट्स ऑन द सेकेंड प्लेस एंड लेट्स सी इफ वी कैन यू नो वी कैन स्टे इन द सेकेंड प्लेस और नॉट। आई एम प्रीटी मच श्योर कि UCL के लिए तो क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है। बट क्या सेकेंड प्लेस में होके क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, दिस इज समथिंग टू लुक फॉर। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, ठीक है वी टॉक्ड अबाउट हालैंड का सिचुएशन, वी टॉक्ड थोड़ा सा अबाउट बार्सिलोना का सिचुएशन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वो जो आपने देखा सुना ही होगा कि वो ट्विन बेबीज एक्सपेक्ट कर रहे थे और उन ट्विंस में से एक जो उनका बेबी बॉय था सैडली वो जो है हमारे बीच नहीं रहा। अब मैं अब देखो मेरे पास इंग्लिश कोई शब्द नहीं है इसको डिस्क्राइब करने का, तो यही मेरे को सही शब्द लगा। बट ऑब्वियसली आई वॉज वेरी सैड उस न्यूज़ से, सो मोर पावर टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑब्वियसली अब क्या ही मैं बोलूँ भाई, तो आई एम यू नो व्हाट मेरे डीप कॉन्डोलेंसेस टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। बाकी तो यार ऐसा कुछ नहीं है, इसी टाइप की वीडियोस अभी तो मैं एक्सपेक्ट कर सकते 2-3 दिन भाई, पेपर चल रहे हैं, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। मोर ओवर मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी में जिम की एक फोटो डाली थी, जिसमें मैंने ये लिखा था कि एटलीस्ट आई एम कंसिस्टेंट विद जिम, इस टाइप का कुछ मैंने कंसिस्टेंट कमिटमेंट मैंने ऐसा लिखा था। तो वन गाय डीएम्ड मी एंड आस्क्ड मी कि भाई इफ़ यू हैव टू चूज बिटवीन जिम एंड यूट्यूब आप क्या चूज़ करोगे। मैंने बोला यार जिम ही चूज़ करूँगा, ऑब्वियसली आई एम सॉरी बट जिम मैं चूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि भाई जिम मेरे को कॉन्फिडेंस देता है, जिम एक तरीके से कह सकते हो डिप्रेशन से निकाला है, तो जिम तो नहीं छूट सकता है भाई। अभी भी जिम से आए हैं, डेडलिफ्ट मारा है, बाकी तो कुछ नहीं यार। आई होप सो आप सही हो, और आई थॉट कि ऐसा वीडियो बना के डाल देता हूँ, कुछ नहीं सर कुछ तो बेटर है ना। तो 2-3 दिन तुम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करो, बाकी ठीक है मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शीशी के सनी, टेक केयर, प्लीज़ विस्कस भाषा, जय हिंद, टाटा, टेक केयर।